माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेनर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी, एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज की इस नई वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आप सबसे ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहेंगे कि हमने आप सबके लिए श्री माता वैष्णो देवी की नई डिजिटल यात्रा अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है और आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि आप सब जाइए उसे पूरा देखें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर उसे शेयर करिए। उस डिजिटल यात्रा में आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं। तो हम ये आशा करेंगे कि आप अपने सभी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पर आप पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी लगाएंगे, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप पर आप स्टेटस में उसका लिंक पोस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सब हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। आप सबको पता है माँ भगवती के पवित्र नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं, ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ बड़े बड़े नए नए अपडेट किए गए, कुछ बड़े बड़े श्रद्धालुओं को तोहफे दिए गए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम नवरात्रि अपडेट से जुड़ी कई सारी नई जानकारियां भी आप सबके समक्ष साझा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बड़े अपडेट की, बड़ी जानकारी की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा उन सभी श्रद्धालुओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है जो दिव्यांग हैं, उनके लिए निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक घोड़े की सुविधा और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा, ये सभी सुविधा उन दिव्यांगजन भक्तों के लिए निःशुल्क होने वाली है। इसकी ऑफिशियल जानकारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने दी है। उनकी वीडियो क्लिप आप सब तक साझा करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे हमारे स्पेशली एबल्ड सिटीजंस दिव्यांगजन जो आते हैं और उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कटरा से लेकर माता रानी के द्वार तक पहुंचने के लिए। तो इस बार ऑनरेबल चेयरमैन साहब की निर्देशानुसार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ये कोशिश है, एक पहल है कि जितने भी हमारे स्पेशली एबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज सिटीजन्स जो हैं, उनके लिए कटरा से लेकर भवन तक घोड़े की और अधिकारी से भवन तक बैटरी कार की सर्विसेज बोर्ड की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी। और उसके लिए हमारा जो डेडिकेटेड स्टाफ है वो बाणगंगा, अधिकारी और बोर्ड सेक्टर्स में तैनात किया गया है और ये नवरात्रों के 9 दिन ये जो सुविधा है हमारे दिव्यांग जन को अवेलेबल है। देखिए, ये दिव्यांग जन हम सब समझते हैं कि एक स्पेशल एक सर्टिफिकेशन रहती है कि जो दिव्यांग जन है और जो ये सफ़र कर नहीं सकते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ये उन्हीं के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी और जो हमारा स्टाफ है वो इन द केस टू केस बेसिस पर इनकी मदद करेगा। तो आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो क्लिप को देखा होगा जिसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सभी बातों को बताया। चलिए बात करते हैं नवरात्रि अपडेट की। तो आप सबको बता दें कि माँ भगवती के पवित्र भवन को देश के ही नहीं विदेशों के फूलों से भी सजाया गया और माता रानी का भवन बहुत ही भव्य तरीके से आपको इस बार देखने को मिलेगा। आपको तो पता ही है हर नवरात्रि के समय में अलग अलग तरीके से डेकोरेशन होते रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया है जो कि कटरा में होने वाला है। उसमें बहुत सारे ऐसे जो भी सिंगर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें काफ़ी बड़ा तोहफा भी मिलेगा। बात करें कुछ और नई अपडेट की तो कटरा में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर कि वेलकम गेट्स बनाए गए हैं, जो भी श्रद्धालु कटरा में इंटर करेंगे उन्हें अलग अलग जो है वो गेट्स देखने को मिलेगा। पहला गेट आपका कटरा चौक में ही है, उसके बाद एक गेट आपको मिलेगा बाणगंगा रूट पर और फिर आप पहुंचेंगे जब दर्शनी डूडी के पास, वहां पर भी गेट्स जो है वो नवरात्रि के लिए बनाए गए हैं। हमने आपको पहले ही दिखाया था किस तरह से होर्डिंग लग रहे हैं, किस तरह से गेट प्रिपेयर हो रहा है और फाइनली जो है इस तरह का कुछ नया इंतज़ाम जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है कटरा शहर में। बात करें भोजनालय की जो कि सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, नवरात्रों के समय बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो व्रत रहते हैं और उन्हें फलाहारी भोजन जो है वो खाना रहता है, तो उनके लिए भी श्राइन बोर्ड इस बार 12 नए आइटम्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि उनके भोजनालय में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि श्राइन बोर्ड उस सभी आइटम्स के प्राइस को सेम रखने वाला है जो वो पहले नवरात्रों में रखता था। इसमें कोई भी प्राइजेस में हाइप नहीं होगी, कोई भी प्राइस बढ़ेगी नहीं, सेम रहने वाली है। तो काफ़ी बड़ा अच्छा इंतज़ाम जो है वो श्राइन बोर्ड द्वारा उन सभी श्रद्धालुओं के लिए किया जा रहा है जो नवरात्रों में आ रहे हैं, व्रत रहते हैं, तो वो फलाहारी भोजन का भी लाभ उठा सकते हैं। सभी भोजनालय में जो है वो फलाहारी भोजन मिलते रहेंगे।
बात करें RFID कार्ड की, तो इस बार श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी का कहना है कि सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेकर यात्रा करनी है। RFID कार्ड अब सभी कटरा के रजिस्ट्रेशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं और RFID कार्ड की अभी कोई भी ऑफिशियल लिमिटेशन टाइम लिमिटेड नहीं बनाई गई है, वैधता नहीं बनाया गया है, तो कभी भी लेके आप यात्रा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से RFID कार्ड आप वहीं पर जाकर लीजिए जहाँ पर कि रश कम रहे और जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि इसके बारे में श्रद्धालुओं को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे जम्मू में स्थित वैष्णवी धाम में भी जाके आप RFID कार्ड ले सकते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि RFID कार्ड से ही आपको यात्रा करनी है, आपको समय समय पर माइक में ये अनाउंसमेंट भी सुनाई देगी कि RFID कार्ड अपने गले में लटका कर रखिए, उसी से ही यात्रा करनी है और उसे आपको रिटर्न करना है। श्राइन बोर्ड को RFID कार्ड से इस बार बहुत मदद मिलने वाली है यात्रा को मैनेज करने में, यात्रा मैनेजमेंट को देखने में कि इस समय श्रद्धालु की संख्या कितनी है भवन पर, भैरव घाटी में, अर्धकुंवारी में, इससे पूरा का पूरा यात्रा फिगर पता चल पाएगा। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी का ये भी कहना है कि कोई फिक्स फिगर नहीं है यात्रा का कि सिर्फ इतने श्रद्धालु ही जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि उस समय किस तरह की सिचुएशंस होगी, उस तरह से वो नीचे से श्रद्धालुओं को ऊपर की जाने की अनुमति देते रहेंगे और उस तरह से श्रद्धालु का जो दर्शन है वो चलता रहेगा। श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने ये भी अपील किया है सभी श्रद्धालुओं से कि जो भी श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शन कर ले रहे हैं वो कटरा की ओर प्रस्थान करें। इससे क्या होगा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं कटरा से उन्हें दर्शन करने में आसानी होगी और भवन पर बहुत ज़्यादा रश भीड़ नहीं होने वाली है। इस बात का मैं भी आपसे अपील करूँगा कि अगर आप माता रानी के नवरात्रों में जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, तो भवन में दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा दर्शन करने के बाद आप नीचे कटरा आ जाइए, कहीं पर और ना रुके, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रहता है नवरात्रों में, तो और सारे श्रद्धालुओं को परेशानी होने लगती है और कम श्रद्धालु रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से आप इस बात को थोड़ा सा गहराइयों से लेंगे और समझेंगे इस बात को। वहीं बात करें अटका आरती की, तो माता रानी की पवित्र अटका आरती में आपको पता ही है कि अलग अलग सिंगर्स आते हैं और अपने भजनों को प्रस्तुत करते हैं। इस बार भी बहुत सारे नए नए सिंगर्स आने वाले हैं जो माता रानी के पवित्र अटका आरती में अपने भजनों को प्रस्तुत करने वाले हैं। और अटका आरती से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि नवरात्रों के पहले दिन से शाम की अटका आरती अब 6:20 से शुरू होने वाली है। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको 6:20 से अटका आरती लाइव यूट्यूब MS श्रद्धा चैनल पर और भी जितने MS श्रद्धा चैनल हैं उन सभी पर आपको अटका आरती देखने को मिलेगा, जिसमें कि अलग अलग नए नए सिंगर्स आएंगे और अपने भजनों को वो प्रस्तुत करेंगे। वहीं बात करें भवन की, तो इस बार माता रानी के भवन को बहुत ही प्यारे भव्य तरीके से सजाया गया है, अलग अलग तरीके के डेकोरेशंस हो रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज है श्राइन बोर्ड के लिए, क्योंकि वहां पर दुर्गा भवन का कार्य भी चल रहा है, स्काई वॉक का भी कार्य चल रहा है, तो उन सभी को लेकर मैनेज करना बहुत बड़ी बात है और ऐसे में माँ भगवती का साथ है, माँ भगवती का आशीर्वाद है, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और श्राइन बोर्ड बहुत अच्छी तरीके से अपने सब वर्क को करने में जुटा हुआ है, जगह जगह पर यात्रा ट्रैक में पानी के इंतजाम भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, यानी आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस मेरी एक प्लान आप हमेशा फॉलो करिएगा कि जब भी माता रानी के दरबार जा रहे हैं एक सिक्वेंसली प्लान बना लीजिए कि आपको कितने टाइम में दर्शन करने, कितने टाइम में भवन पहुंचना है, भवन से आपको कैसे किधर से आना है, क्या करना है। जब आप ये सब चीज़ें पहले से सेट कर लेंगे तो माता रानी की कृपा से आपके दर्शन ऑलरेडी बहुत अच्छे होंगे और आपको यात्रा में किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करिएगा अपने जो भी IDs हैं वो सब लेकर चलें। मौसम की बात करें तो फिलहाल माता रानी के दरबार में बारिश हो रहे हैं, धूप हो रहे हैं, बदलता रहता है, पहाड़ों का मौसम चेंज होता रहता है, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक नॉर्मल गर्म कपड़ा रख लीजिएगा जिससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे, अपने साथ रेनकोट रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अम्ब्रेला रख लेंगे तो वो भी बेटर रहेगा, जिससे आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन के साथ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमने लगभग बड़ी बड़ी जानकारी आपसे साझा की है, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाया भी है कि किस तरह से क्या क्या हमारे श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने कहा हुआ है। तो मैं यही आशा करूंगा कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करके बताइएगा। अपने कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो आप कॉमेंट में जाकर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने कल की डिजिटल यात्रा देखी है या नहीं देखी है। अगर देखी है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे शेयर कर दीजिएगा और अगर नहीं देखी है तो देखने के बाद भी उसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से YouTube ट्रेन राइडर चैनल के साथ। मेरा नाम है आयुष, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी।